अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? से ठीक है, फिट फाट है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, मुझे ना एक दोस्त ने पूछा था कि यार वो ना तुर्की इस्तांबुल का मौसम वगैरह जो है वो कैसा होता है, मतलब कि वहाँ पर मौसम का सूरत हाल वगैरह। तो सबसे पहले तो बताऊँ दोस्तों, ये तुर्की बहुत ही खूबसूरत मौला क्या है, बहुत ही जनाब अच्छी प्लेसेस, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते हैं यहाँ पर। तो मुझे जो इस तुर्की और इस्तांबुल के मौसम के हवाले से एक बात जो लगी है ना वो बहुत बुरी, ये मतलब कि जैसे आपको मिसाल दूँ कि फ़र्ज़ करें एक मोहब्बत करने वाले जनाब जोड़े मतलब काशिम शुभ में कोई एक बेवफा होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ का भी मौसम जो है वो बेवफाई समझो, इसका पता नहीं चलता, सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ। तो दोस्तों यही यहाँ की रूटीन है, आज तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ जा रहा है यहाँ पर बादल बने हुए हैं, हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, और यहाँ की जो ठंडी हवा है इस्तांबुल की खास तौर पर बंदे को भी बहुत बीमार कर देती है, बीमार करने वाली हवा है ये। तो यहाँ का मौसम मतलब कि जो अच्छा रहता है वो जो पसंदीदा मौसम होता है वो समझो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आखिर वाले 3 मतलब कि, और दूसरा ही समझ ले मई, जून, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मतलब कि इन ये जो मंथ है ना इनमें जो है काफ़ी मौसम अच्छा रहता है यहाँ पर, आप जो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी मतलब कि इतनी ना गर्मी होती है ना इतनी सर्दी होती है, और जो सर्दी तकरीबन होती है वो बर्फ़ के जो स्नो के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि इन जो है वो मंथ्स में स्नो पड़ती है यहाँ पर। लेकिन आज से 2 साल पहले काफ़ी अच्छी स्नो पड़ी थी, उसके बाद ऐसे नॉर्मल पड़ती है एक दो घंटे या 3-4 घंटे, इसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज से जो 2 साल पहले पड़ी थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, मतलब कि समझो कि 1 मंथ तक इसकी बर्फ़ ही नहीं थी ख़त्म हुई यहाँ से, काफ़ी जो ख़तरनाक थी। तो ऐसे ही मौसम है यहाँ का बेवफा सा, कल सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ। तो जो तकरीबन दरमियान वाले मंथ्स हैं ना, तकरीबन जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, इनमें दर्जा 25 तक रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम होता है। अब घर बैठे गर्मी लगेगी लेकिन बाहर हवा काफ़ी अच्छी चलती है, यहाँ के लोग काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं उन दिनों, बहुत ही जनाब ये पार्क वगैरह में जाके पिकनिक वगैरह मनाते हैं, काफ़ी अच्छा ये इनका कल्चर वगैरह है। वो उस पर एक वीडियो फिर मैं बनाऊँगा इनका कल्चर वगैरह कैसा है, इनके खाने वगैरह कैसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद मतलब कि आपको पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।